नींदों में तू, ख्वाबों में तू, तू बसती है यादों में तू, आंखों में तू हंसती हर जगह अब दिखे तू। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस तरह से म्यूजिक प्लेयर लिरिक्स वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी ऐसा वीडियो एडिट करना चाहते हैं कपल्स की फोटो को एडिट करके, जो कि इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लिरिक्स है ग्लो इफेक्ट के साथ जो कि अभी आपने देखा होगा फोटो के नीचे आएगा, तो इस तरीके से आप वीडियो कैसे एडिट करेंगे आज के इस वीडियो में आपका भाई बिल्कुल कंप्लीट आपको सिखाने वाला। आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे क्या एडिट करना है कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जो प्रोजेक्ट का मैंने यूज किया उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जाकर इंपोर्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आज को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है और कल मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा लेटेस्ट वर्जन का। काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे और पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता था लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण लिंक डालना मैंने बंद कर दिया अलाइट मोशन का, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा लेटेस्ट वर्जन का, आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको मेरे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाना। जो XML प्रोजेक्ट है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जो XML है उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करना, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फोटो दे दूँगा, टैम्पलेट दे दूँगा और टोटल मैंने यहाँ पर दो फॉन्ट का यूज़ किया तो फॉन्ट आपको दे दूंगा और यहाँ पर एक म्यूज़िक प्लेयर PNG का यूज़ किया वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप उन सभी को स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी लेयर बंद है आपको क्लिक करके लेयर्स को ऑन कर देना है, वो लेयर कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगी। अगर आप म्यूज़िक चेंज करना चाहते हैं तो आपको पूरी लिरिक्स को चेंज करना होगा, वो आप पर डिपेंड है। मैंने जिस म्यूज़िक के साथ आपको वीडियो एडिट करना सिखाया है उसकी लिरिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पर उस वाले फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने अपने फ़ोटो को रख रखा है, जो आपके कपल्स फ़ोटो हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, फ़ोटो को दबा के रखेंगे, फ़ोटो को आप म्यूज़िक के ऊपर ले लेंगे इस तरीके से। फ़ोटो पर क्लिक करना है, लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे आ जाएंगे। आपका फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। आपको क्या करना है, म्यूज़िक प्लेयर PNG को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ यहीं रहना, तो यहाँ पर हमने जो फोटो ऐड किया जस्ट इसके ऊपर एक ग्रुप है, ग्रुप पे क्लिक करना है, आपको एडिट ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, उसी फोटो को वापस लेंगे जिसको हमने यहाँ पर ऐड किया। तो हमने यहाँ पर ये वाला फोटो ऐड किया, इसको वापस सेलेक्ट करेंगे और दबा कर रखेंगे, इस जो रेक्टेंगल इसके नीचे ले लेंगे, फोटो पे क्लिक करना है, लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आगे आ जाएंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म क्लिक करना है, यहाँ पर जूम के ऑप्शन से फोटो को आप जूम कर लेंगे और अपने हिसाब से इसको परफेक्टली आप सेट कर देंगे। देखिए बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे से फिट है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से आगे आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, अब आपको यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर PNG ऐड करनी होगी, तो यहाँ पर जो तीसरी लेयर है म्यूज़िक प्लेयर वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कलर एंड फील के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको स्टार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, जो मैं आपको दे दूंगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो कुछ इस तरीके से एक PNG मिल जाएगी इस तरीके से। उसके बाद आपको ऊपर प्लस पे क्लिक करना है तो वो PNG यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है, ये जो नाम है ये मैंने लिख रखा है, तो आप इनको अगर चेंज करना चाहते तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से गाने का नाम था उस तरीके से मैंने लिख दिया। इसके अंदर भी आपको एक फॉन्ट को डाउनलोड करना है, वो फॉन्ट ये वाला फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना और जो लिरिक्स फॉन्ट है वो आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर जो ग्रुप है इस ग्रुप पे क्लिक करना और आपको एडिट ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको लिरिक्स मिलेगी, सभी लेयर बंद है तो आपको क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सभी लेयर्स को ऑन कर देना है। तो जितनी भी लेयर्स हैं यहाँ पर लिरिक्स वाली सारी ऑन हो जाएगी। ऊपर से आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी लिरिक्स है वो यहाँ पर आपकी दिखने लगी, लेकिन इसमें भी आपको इफेक्ट अप्लाई करनी होगी। आप यहाँ से बाहर आएंगे, ओपन करेंगे सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, यहाँ पर आपको दो रेप्टेंगल मिलेगी, तो सबसे जो नीचे रेप्टेंगल है इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे सॉन्ग बिट के प्रोजेक्ट को, सबसे नीचे जो हमने फोटो ऐड किया इस फोटो पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है।
इस तरीके से इफेक्ट आपकी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी आपके फोटो के अंदर, जो कि काफ़ी गजब लग रही है। ओके, अब आपको क्या करना है, वापस आपको बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजर को, ऊपर जो रेप्टेंगल इस पर क्लिकना है, इफेक्ट पर क्लिकना है, लाइन पर क्लिकना है, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे सॉन्ग बिट के प्रोजर को, ऊपर वाले ग्रुप पर क्लिकना है और आपको एडिट ग्रुप पर क्लिकना है। यहाँ पर आपको लिरिक्स पर क्लिकना है, इफेक्ट पर क्लिकना है, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, दूसरी लिरिक्स पर क्लिकना है, इफेक्ट पर क्लिकना है, थ्रेडिंग पर क्लिकना है, पेस्ट इफेक्ट करना है। यहाँ से लेकर लास्ट तक जितने भी हमने यहाँ पर लिरिक्स ऐड करके ना, उन सभी लिरिक्स पर आपको स्टेप बाय स्टेप यही इफेक्ट आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, तो आपकी जो लिरिक्स है उसके अंदर काफ़ी गजब तरीके से इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद ऊपर से आप आगे आके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी जो लिरिक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल लगेगी। ओके, यहाँ पर आप वापस ग्रुप पे क्लिकना, एडिट ग्रुप पे क्लिकना, यहाँ पर आपको वो फॉन्ट ऐड करना होगा, फॉन्ट आपको मिसलीडिंग दिखाएगा लिरिक्स वाला, तो आपको क्या करना है, लिरिक्स पे क्लिकना है, एडिट टेक्स्ट पे क्लिकना है, ये वाला फॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, वीओएल फॉन्ट पे क्लिकना और यहाँ पर आपको थ्रेडिंग पे क्लिकना है और आपको यहाँ पर इम्पोर्ट फॉन्ट के बटन पे क्लिकना है, आपको उन दोनों फॉन्ट को डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर लेना है, जो फॉन्ट मैं आपको देने वाला हूँ ना, एक तो ये वाला फॉन्ट आपको मिल जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर आपको दबा के रखना है, सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आपको दोनों फॉन्ट को यहाँ पर आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद एक तो ये रहा लिरिक्स वाला फॉन्ट और एक आपको यहाँ पर नॉर्मली कौन सा भी ये जो फॉन्ट है काफ़ी अलग अलग स्टाइल के, तो आपको ये वाला फॉन्ट आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अलग अलग में लिरिक्स में आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद ऊपर से आप आगे आ जाएंगे, इस तरीके से आपकी लिरिक्स यहाँ पर आ जाएगी। अब ये तो काम हो चुका है, यहाँ पर आपको एक टैम्पलेट अलग से मैं देने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिकना है, मीडिया पे क्लिकना है, उस वाले टैम्पलेट आपको डाउनलोड करना है, इस तरीके से आपको टैम्पलेट मिलेगा, इस टैम्पलेट पे क्लिकना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफर क्लिकना है, रोटेट के ऑप्शन से टैम्पलेट को इस तरीके से आप -90 डिग्री रोटेट करेंगे, आगे आएंगे क्लाइंट पर क्लिकना है और आपको फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिकना है, इसकी आवाज़ को आप बंद कर देंगे, इसके अंदर अगर म्यूजिक होता है तो आप आवाज़ बंद कर देंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिकना है, लाइटन पर क्लिकना है और वापस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ओके सॉरी, यहाँ पर आपको वहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और ये जो ओपासिटी, ओपासिटी को यहाँ पर आप 34 रखेंगे, 34 ठीक है, 34% तक बहुत है, इतना आप इसको रख लेना है। उसके बाद लास्ट में जाएंगे, देखेंगे थोड़ा सा टैम्पलेट कम है तो टैम्पलेट पर क्लिकना, बीच में क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेंगे और जहाँ तक टैम्पलेट वहाँ पर आएंगे बीच में वापस क्लिकना है, पेस्ट क्लियर करेंगे, इस वाली बीट पे आएंगे, यहाँ तक चमक चाहिए टैम्पलेट पर क्लिकना, फालतू को आप यहाँ से हटा देंगे। अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आपकी यहाँ पर लगेगी और आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। ऊपर आपको सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिकना है, वीडियो को सिलेक्ट